नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में अपन सोफिस्ट कौन थे इस बारे में बात करने जा रहे हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में एथेंस में लोकतंत्र का उत्कर्ष हुआ और उस समय स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा मिला। अब एथेंस में दो प्रकार के वर्ग सामने थे, एक वो वर्ग जो अब तक सत्ता पर काबिज रहा था, अभिजात वर्ग जिसे अपन कहते हैं, या यूं कहें कि जिनके पास भूमि थी, जागीरदार थे, और दूसरा वह वर्ग जो अब नया वर्ग उदय हुआ जो व्यापार किया करता था। अब चूंकि लोकतंत्र पर कोई भी काबिज हो सकता था तो दोनों में सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रतिद्वंद्विता चल पड़ी, खुला मैदान सामने था। और लोकतंत्र की जैसे की विशेषता है, लोकतंत्र में वही व्यक्ति टिकता है जो जनमत को प्रभावित कर सकता है, जनमत के भीतर ये बिठा सकता है कि मैं आपके लिए कितना भला कर सकता हूँ, और उस लोकमत को प्रभावित करने के लिए उस जमाने के एथेंस में एक नए वर्ग का उदय हुआ जो इन दोनों वर्गों को यह शिक्षा प्रदान करता था कि लोकमत को कैसे प्रभावित किया जाए। यानी कुछ ऐसे लोग थे जो वेतन लेकर या पैसा लेकर इन वर्गों को यह शिक्षा प्रदान करते थे कि लोकतंत्र में जीतने के लिए लोकमत को कैसे प्रभावित किया जाए। ये वो व्यक्ति थे जो इन लोगों से वेतन लेते थे और इनको वो कला सिखाते थे कि वाक्पटुता क्या है और किस प्रकार से जनसाधारण के मन को जीता जा सकता है। इन्हीं लोगों को सोफिस्ट कहा जाता है, या फिर इन लोगों को कूट तर्कवादी या वितिंडतावादी भी कहा जाता है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सोफिस्ट कोई एक व्यवसाय, माफ कीजिए, यह कोई विचार या संप्रदाय नहीं था बल्कि एक व्यवसाय था। यद्यपि इन लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा था परंतु इनके विचार अलग अलग थे। कहीं कुछ लोग सुकरात को भी सोफिस्ट की श्रेणी में रखते हैं परंतु ऐसा सही नहीं है। इसका कारण है कि सुकरात जो था वो कोई वेतन नहीं लेता था, वो कोई पैसा नहीं लेता था, वो सत्य का अन्वेषण करता था और अपने विचारों को या अपने विचारों के द्वारा लोगों को सत्य का ज्ञान प्रदान करता था। और जबकि सोफिस्ट वो व्यक्ति थे जो लोगों को पैसा लेकर या वेतन लेकर, भले ही कुतर्क द्वारा ही सही, लेकिन लोगों को ये कला सिखाते थे कि किस प्रकार से जनता के मन को जीता जा सके। इनका दावा तो यहाँ तक था कि संसार में कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, बस ना ही न्याय का कोई अमूर्त सिद्धांत है। प्रोटोगोरस तो यहाँ तक कहा करता था कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मानदंड है, यानी ये व्यक्तिवाद के समर्थक थे। इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम आते हैं, प्रोटोगोरस, जॉर्जियस, प्रोडिकोरस, और इनके विचार जो थे वो समकालीन एथेंस के विचारों से, समकालीन यूनान के विचारों से बिल्कुल हटकर थे। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस बात पर विश्वास करते थे। इनका मानना था कि उस समय के दो वर्ग थे, बलशाली वर्ग जो सत्ता पर काबिज रहने के लिए, जो निर्बल लोग थे उन पर शासन करने के लिए उनका दमन करते थे, और दूसरे निर्बल जो लोग थे वो इनसे अपनी रक्षा करने के लिए अपना संगठन बनाते थे। यानी सारा काम व्यक्ति व्यक्तिवाद के स्तर पर करता था, अपने आप के स्तर पर करता था। सोफिस्ट तो ये भी मानते हैं
कि शासन संचालन के कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते और मनुष्य सामाजिक प्राणी भी नहीं है और राज्य कोई प्राकृतिक संस्था भी नहीं है। व्यक्ति ने अपने लिए राज्य का निर्माण किया है, इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है और राज्य समझौते पर आधारित है। ये पहला विचार सोफिस्टों ने दिया था और कानून और नैतिकता में ये अंतर करते हुए तर्क देते हैं कि कानून मनुष्यों को तर्क बुद्धि के विरुद्ध चलने के लिए विवश करता है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों का एक समूह जो तत्कालीन 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय में लोकतंत्र में लोगों को इस बात की शिक्षा देता था कि जनमत को कैसे प्रभावित किया जाए और सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए, उन लोगों को सोफिस्टों की श्रेणी में रखते हैं। धन्यवाद।